जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में वर्चस्व की लड़ाई में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस वजह से कैंपस में करीब एक घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। दोनों गुटों में पथराव एवं मारपीट में तीन छात्र समेत गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। घायल छात्रों की तहरीर पर नवाबाद पुलिस ने सात छात्रों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। उधर बीयू प्रशासन ने भी कैंपस में दो छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दिया। शुक्रवार करीब 10:15 बजे इंजीनियरिंग का छात्र हिमांशु राय नोड्यूज बनवाने विश्वविद्यालय गया था। उसी समय स्नातक कृषि का बैक पेपर देकर शिवम तिवारी, अभिषेक चौरसिया, मनीष राजपूत, विकास अपने कई साथियों के साथ बाहर निकल रहे थे। इनकी हिमांशु से पहले से तनातनी चल रही थी। हिमांशु को अकेला देखकर ये लोग उसे पकड़कर कृषि संस्थान के अंदर घसीट ले आए और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हिमांशु के दोस्तों को यह बात मालूम चली तब वह भी कृषि संस्थान पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा। देखते देखते दोनों गुट के छात्र लाठी डंडों के साथ भिड़ गए। वहां मौजूद दूसरे छात्रों में भगदड़ मच गई। मारपीट में हिमांशु, समरेंद्र समेत एक अन्य छात्र घायल हो गया। दो छात्रों के सिर फट गए जबकि एक का हाथ टूट गया। पथराव की चपेट में आने से वहां मौजूद गार्ड भी घायल हो गया। पथराव एवं मारपीट की सूचना मिलने पर ही जैसे विश्वविद्यालय प्रबंधक मौके पर पहुंचा, आरोपी छात्र मौके से भाग निकले। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल समरेंद्र की तहरीर पर नवाबाद पुलिस ने शिवम, अभिषेक, मनीष, विकास, अमन, हिमांशु पाल, प्रिंस राजपूत समेत सात आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर नवाबाद सुधाकर मिश्रा के मुताबिक दोनों गुटों के बीच पहले से तनातनी चल रही थी। आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं कुलानुशासक प्रोफेसर आर के सैनी का कहना है कि दो आरोपी छात्रों की पहचान कर ली गई है। उनका प्रवेश कैंपस में प्रतिबंधित कर दिया गया। झांसी से दीपक चंदेल के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट।